हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, हाउस गोइंग योर स्टडी, एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं TGT का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले हम आपको 7 प्रैक्टिस सेट और करा चुके हैं। जिन्होंने वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लीज़ चैनल को विजिट करके दोबारा देख सकता है, और आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। द करेक्ट स्पेलिंग इज़ वैक्यूम। वैक्यूम की आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है। तो वैक्यूम की जो करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पर आपकी D हो जाएगी, VACWM, वैक्यूम। और वैक्यूम का जो मीन्स होता है वो आता है आपका खालीपन। ओके, वैक्यूम, और D ऑप्शन यहाँ पे इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट स्पेलिंग इज़ कैंसल्ड। कैंसल्ड की करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है, तो ये आपकी C वाली होगी, CANCELLED, कैंसल्ड। और कैंसिल का मीन्स आपको पता ही है, रद्द करना किसी चीज़ को या फिर निरस्त करना। क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट स्पेलिंग इज, करेक्ट स्पेलिंग जो है टेरनाइज की, तो यहाँ पर आपका A ऑप्शन सही होगा, TYRANNIZE, टेरनाइज। और इसका मीन्स होता है आपका क्रूर शासक की तरह आचरण करना, यानी कि जो अत्याचारी शासक होते हैं उनका जो व्यवहार होता है उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द करेक्ट स्पेलिंग इज बीवॉक। बीवॉक का जो आपकी करेक्ट स्पेलिंग है वो आपकी जो है सी होगी, BIVOUACE। ओके, और इसका जो आपका हिंदी मीनिंग होता है वो होता है पड़ाव, किसी का पड़ाव। ओके, नेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग इज क्विंटेंस। क्विंटेसेंस की स्पेलिंग आपको चूज़ करनी है, कौन सी राइट है, तो आपका A ऑप्शन ही राइट होगा यहाँ पे, QUINTESSENCE, क्विंटेंस। और इसका हिंदी मीनिंग आपका होता है सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। ओके, किसी चीज़ के लिए अगर हम एग्जांपल दे रहे हों जो सबसे अच्छा हो। तो डायरेक्शंस दिए हैं कुछ आपको, फॉलो करके आंसर्स करने हैं क्वेश्चंस के। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फ्रेज आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस सो एज टू कम्प्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेस, जिससे आपका सेंटेंस कम्प्लीट हो सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ इनकन्सीवेबल दैट इन मैनी स्कूल चिल्ड्रन, यहाँ पर डैश जगह छोड़िए, जो आपको फिलअप करना है, सब्जेक्टेड टू फिजिकल वायलेशन इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन। तो आपका यहाँ पर जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 में आपका A ऑप्शन राइट होगा, R, यहाँ पर R आएगा आपका। इट इज़ इनकन्सीवेबल दैट इन मैनी स्कूल चिल्ड्रन आर सब्जेक्टेड टू फिजिकल वायलेशन, क्योंकि यहाँ पर आपका जो नाउन है आपका प्लूरल है, तो आपका यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वी डैश नॉट येट फुली रियलाइज्ड द ग्रिम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका राइट ऑप्शन इसमें हैव हो जाएगा, वी के साथ आप हैव यूज़ करेंगे प्लूरल फॉर्म। ओके, वी हैव नॉट येट फुली रियलाइज्ड। नेक्स्ट देखिए, हैप्पीनेस कंसिस्ट इन बींग कंटेंटेड विद फॉर वी, तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी होगा, इसमें भी आपको आप हैव यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यहाँ पे भी आपको डायरेक्शंस दिए गए हैं कुछ 9 और 10 के लिए। 4 अल्टरनेटिव वेज ऑफ कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आर सजेस्टेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फाइंड आउट द करेक्ट वन। एक करेक्ट चूज़ करना है आपको, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। My principal told me, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बताया, don't conduct any test tomorrow, कि कोई भी टेस्ट कल को कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका my principal told me, यानी कि don't conduct any test tomorrow, कोई भी टेस्ट नहीं कराया जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका यूज़ करेंगे my principal ordered me, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे ऑर्डर दिया, क्योंकि don't लगा है स्टार्टिंग में। तो आप यहाँ पर नोट टू कंडक्ट एनी टेस्ट द नेक्स्ट डे, टमोरो का जो जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो टमोरो को हम करते हैं द नेक्स्ट डे में चेंज, इसलिए आपका यहाँ इसमें तो नेक्स्ट डे दिया ही नहीं है, इसलिए आपका 4th ऑप्शन जो है राइट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10, सी सेड यू कैन लीव द बुक्स हेयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी सेड दैट दे कुड लीव द बुक्स देयर। ठीक है, क्योंकि आपका सी सेड और आपका दिया हुआ है इन्वर्टेड कॉमास कोटा के दैट लगाया आपने यहाँ पर, और आपका यू जो होता है वो आपका सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पर आपका जो है
दे आ जाएगा आपका, कैन का कुड हो जाएगा, लीव द बुक्स हेयर, और हेयर को आप देयर में चेंज करते हैं जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं किसी सेंटेंस को। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ओके, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 11, द मीनिंग ऑफ द idiom डेविल्स एडवोकेट इज़। डेविल्स एडवोकेट का जो idiom का मीनिंग होता है, क्या होता है वो, तो ये होता है आपका टू प्रेजेंट ए काउंटर आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट काउंटर, मतलब काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है प्रेजेंट करना, इसका मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ हार्ट इज, जो फेमिनाइन जेंडर होता है हार्ट का वो बताना है क्या होता है, तो आपका फेमिनाइन जेंडर होता है हार्ट का डी रॉय, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस, नरेशंस के रेफरेंस में कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, वर्ब से नाउन के फॉर्मेशन में कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है आपको बताना है। देखिए वाइटनेस आपका एक नाउन है और इसको वाइटन किया गया है, बिल्कुल सही है आपका, नाउन से वर्ब को चेंज किया गया है, ओके। सीन से सी, साइट से सी, एंड सिक्योरिटी से सिक्योर्ड, तो आपको 14 में जो ऑप्शन होगा आपका राइट वो होगा डी, ये आपका करेक्ट नहीं है, सिक्योरिटी से सिक्योर्ड, ओके, ये आपकी कोई वर्ब नहीं है बल्कि ये एक एडजेक्टिव बन जाता है, जब किसी वर्ब में ईडी हम ऐड कर देते हैं तो वो एक एडजेक्टिव का काम भी करता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये सही नहीं होगा। फ्रेंड्स देखिए आपका कुछ लोग कमेंट्स में लिखते रहते हैं कि मैम ये वाला गलत हो गया, वो वाला गलत हो गया, तो क्या होता है कि कई बार बुक में मिसप्रिंट हुआ रहता है कोई क्वेश्चन, तो ध्यान नहीं जा पाता, कई बार पूरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में टाइम लगता है, और आप लोगों के लिए मैं बेटर प्रयास करती हूँ अपना कि आपको अच्छा कंटेंट मिले, बट कई बार थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, तो प्लीज़ उसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लें, क्योंकि कई बार गलती परफेक्ट कोई भी नहीं होता, थोड़ा सा रॉन्ग किसी से भी हो सकता है थोड़ा बहुत, ओके। तो नेक्स्ट देखिए 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से कौन सी स्पेलिंग जो है इसमें से करेक्ट दी गई है, डियरी, डियरी का आपको जो 15 का राइट ऑप्शन है वो आपका ए होगा, डी आर ई ए आर वाई, डियरी, और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है आपका निराशाजनक, निराशाजनक या फिर उदास, ठीक है, निराशाजनक या उदास इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस, नरेशंस के रेफरेंस में इसमें से कौन सा रूल करेक्ट नहीं है, द पास्ट टेंस इज ऑफन यूज, पास्ट टेंस यूज़ किया जाता है व्हेन इट इज़ सर्टेन इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, और व्हेन वी आर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिवली इन इनडायरेक्ट, तो आपका 16 में जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, इन चेंजिंग इनडायरेक्ट द टेंस मे नॉट चेंज इफ़ द स्टेटमेंट इज स्टिल रेलिवेंट, और यदि जो स्टेटमेंट होती है वो रेलिवेंट होती है तो वो चेंज नहीं होती इनडायरेक्ट में, उसका टेंस सही है। इन इनडायरेक्ट, इन चेंजिंग इनडायरेक्ट द इम्पेरेटिव मूड इज नॉट चेंज्ड इनटू द इन्फिनिटिव, ये भी सही है, सॉरी आपका गलत हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, और डी, इन इनडायरेक्ट लास्ट नाइट या डे वीक इज चेंज इनटू प्रीवियस नाइट डे और वीक, ये आपका जो है क्वेश्चन ऑप्शन सही है आपका, लास्ट नाइट प्रीवियस में, प्रीवियस नाइट में डे जो डे हो, मतलब लास्ट नाइट हो, लास्ट डे हो, लास्ट वीक हो, तो ये प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे और प्रीवियस वीक में चेंज हो जाता है, बट आपका सी ऑप्शन यहाँ पर चेंज करेक्ट नहीं है, और आपको नोट करेक्ट इसमें बताना था क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट इज़ यूज्ड विद टाइम क्लोज, पास्ट परफेक्ट जो है टाइम क्लोज के साथ यूज़ किया जाता है, सही है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस विच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम बट हुज एग्जैक्ट लिमिट्स आर नॉट नोन, जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो उस एक्शन के लिए यूज़ करते हैं जो कंटिन्यूड रहा कुछ टाइम के लिए, बट उसका जो टाइम लिमिट होती है वो पता नहीं होती है कि कब से कब तक रहा, ये भी आपका सही है, टाइम लिमिट उसमें नहीं पता होती हमें, और पास्ट कॉन्टिन्यूस इज़ यूज्ड टू इंडिकेट ग्रेजुअल डेवलपमेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी सही है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट एट ए इन्फिनिटिव टाइम, इनफाइनाइट टाइम,
ये आपका गलत हो जाएगा। जो पास्ट टेंस है वो यूज़ किया जाता है उन एक्शंस के लिए जो पास्ट इन्फिनिटिव टाइम में पास्ट में कंप्लीट होते हैं। ओके, तो आपका ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है 18 का। तो चलिए देखते हैं। टिल ऑफन यूज्ड विद ए नेगेटिव वर्ब टू एम्फेसाइज लेटनेस, यस बिल्कुल सही है। टिल या टिल ऑफन तब तक तब यूज़ करते हैं जब लेटनेस को जोर दिया जा रहा है नेगेटिव वर्ड पर। ओके, फ्रॉम कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्लेस, सही है, प्लेस के लिए यूज़ करते हैं हम फ्रॉम। वी यूज़ आर्टिकल द आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज, एंड फॉर इज़ यूज वैन यू बाई समथिंग, जब आप कुछ खरीदते हैं तो फॉर यूज़ करते हैं, ये सही है। बट आपको जो सी है वी यूज़ आर्टिकल द आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पी क्यू आर एस का फॉर्मूला दिया है यहाँ पर। देखिए आपको करेक्ट सीक्वेंस शुड बी बताना है, करेक्ट कौन सा सीक्वेंस होगा इसमें से। जो है आपका ऑफ मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इट लॉस द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस विद इट्स नेबर्स, एंड ऑफ सेटलिंग इट्स डिस्प्यूट्स। तो आपका जो 19 है, 19 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। क्यू पी एस और आर, एक सबसे पहले आपका क्यू आएगा, क्यू में क्या है, इट लॉस द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, उसके बाद आपको सेल्फ डिफेंस ऑफ मेंटेनिंग द डिप्लोमेटिक रिएक्शंस सो रिलेशंस, और एंड ऑफ सेटलिंग इट डिस्प्यूट्स विद इट्स नेबर्स। ठीक है, 19 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 देखिए, दे कुड नाउ मेंटेन ए लार्ज आर्मी एट द कोस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स, इसमें भी आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है पी क्यू आर एस की। तो 20 का जो आपका राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, पी एस क्यू और आर। देखिए पी आपका सबसे पहले, दे कुड नाउ मेंटेन ए लार्ज आर्मी एट द कोस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स, उसके बाद आपका ऐसा आएगा, दिस इनेबल्ड देम टू फाइट वॉर्स फॉर फार अवे फ्रॉम देयर ओन टेरिटरीज, इफ एनी वार ओकर्ड इन द टेरिटरीज इधर ऑफ द ब्रिटिश एली और द ब्रिटिशर्स। ओके, तो यहाँ पर बी राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए नेक्स्ट 32, कुछ सो 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर 21 में जो राइट ऑप्शन होगा आपका बी होगा, दैट जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है आपका। कुछ डायरेक्शंस दिए हैं 22 से 24, फॉलो करके चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन। देखिए 22 में आपको इनमें से करेक्ट जो सेंटेंस है चूज़ करना है, वाई डिड दे विदड्रॉ फ्रॉम द मैच। तो आपका 22 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, वाई डिड दे विदड्रॉ फ्रॉम द मैच। ठीक है, देखिए विदड्रॉ में यहाँ पर आपकी ई आई है, ई स्पेलिंग रोंग है आपकी, ई वाली भी स्पेलिंग रोंग है, और डज जो है यहाँ पर दे के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म होती है और ये प्लूरल दे, इसलिए भी रॉन्ग होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। 23 में देखिए, वी ट्रेवल्ड बाई ऑटो, हमने ट्रेवल किया ऑटो के द्वारा। 23 का राइट ऑप्शन भी ए ही होगा आपका, वी ट्रेवल्ड बाई ऑटो। देखिए बाकी और आपके सारे सही हैं, बाई द ऑटो नहीं आता, जब बाई किसी व्हीकल के साथ आता है तो उसके बीच में हम बाई नहीं यूज़ करते हैं, ना ही ए यूज़ करते हैं और ना ही एन। ओके, तो डायरेक्ट होगा आपका बाई ऑटो। 24 में देखिए, बॉबी इज बैथ इन द बाथरूम, बाथरूम में नहा रहा है बॉबी। तो 24 का राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ, बॉबी इज बैथिंग इन द बाथरूम। ओके, ऑन द नहीं होता है, बाई द नहीं होता है, और यहाँ बैथ नहीं होगा क्योंकि ये करेक्ट फॉर्म नहीं, इसके साथ आप ing फॉर्म यूज़ करते हैं जो उसमें नहीं दी गई है। 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, कौन सी जो एक्सप्रेशन है इसमें से करेक्ट है, फोर बैड सेकेंड वर्डर ईयर ओपनर या फिर एंड एंड एम। तो जो आपका 25 का राइट ऑप्शन है वो है आपका डी, एंड एंड एम, ये आपका राइट नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, कौन सी मिसमैच है, सिंपल प्रीपोजिशन टू होती है, कंपाउंड प्रीपोजिशन अलोंग, फ्रेजल प्रीपोजिशन एमिडस्ट, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन बिफोर। तो 26 का राइट ऑप्शन आपका डी होगा, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन बिफोर नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाई करेक्ट प्रीपोजिशन, इनमें से कौन सा एडजेक्टिव जो है करेक्ट प्रीपोजिशन से फॉलो नहीं किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू, I was not satisfied with the employee services. We have been busy at work.
ही वॉज डिसअपॉइंटेड इन द बिहेवियर ऑफ द क्लास. तो 27 का जो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, वी हैव बीन बिजी एट वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28. विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. पंक्चुएशन मार्क्स के यूज के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट जो है इनमें से सही नहीं है वो बताना है आपको. इट बीइंग ए हॉलीडे आई एंजॉयड माई सेल्फ एट होम. वॉकिंग टू द बस स्टॉप दैट मॉर्निंग आई न्यू इट वॉज गोइंग टू बी ए स्पेशल डे. या फिर ऑनेस्टी इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू माई फादर सेड. देन एट लास्ट आई रीच्ड माई होम. तो आपका जो 28 है यहाँ पर, इसमें आपको पंक्चुएशन मार्क्स के देखना है कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है. तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू माई फादर सेड. यह आपका रोंग है. ओके, देखिए आपका 29 क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमेटिक कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट. तो 29 में जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी है, आइवरी पुल. ओके, ब्लू ब्लड. ब्लू ब्लड क्या होता है? ब्लू ब्लड बोलते हैं दैट देयर फॉर्म ए फैमिली दैट हैज़ ए सोशल हाई रैंक. इनकी हाई सोशल रैंक होती है उसको बोलते हैं ब्लू ब्लड, यानी कि अच्छे खासे परिवार से जो बिलोंग करता है उसको बोलते हैं ये. सेकंड आपका एंड इन स्मोक. एंड इन स्मोक बोलते हैं टू रून वन सेल्फ, यानी खुद की ही लाइफ को बर्बाद करना. और ये फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. पिलर टू पोस्ट बोलते हैं मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि इधर से उधर घूमना उसको बोलते हैं फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. और जो आपका सी ऑप्शन है आइवरी पुल, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि आइवरी पुल नहीं होता, आइवरी टावर होता है. ये पुल आपका रॉन्ग दिया है, इसके साथ आइवरी के साथ यूज़ होता है आइवरी टावर. आइवरी टावर तब ये आपका इडियम सही होगा. और उसका मीन्स होता है कि अवॉइड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, जो लाइफ के प्रॉब्लम्स होती है उनसे उन्हें अवॉइड करना, बिल्कुल मस्त जिंदगी जीना जो होता है वो. 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू द वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस. वर्ड और एंटोनिम सीक्वेंस के रेफरेंस में इसमें से कौन सा मिसमैच है आपका? देखिए अगोनी का ब्लिस, अलियोर का डीटर, एंड अलूफ का एमिएबल, और एम्बिगियस का डॉग्ड. तो आपका यहाँ पे 30 में जो ऑप्शन है आपका डी राइट होगा, एम्बिगियस का डॉग्ड जो है दिया है. देखिए ए जो होता है अगोनी, अगोनी का मीन्स होता है कष्ट सहना, कष्ट, और ब्लिस का मीन्स होता है आनंद यानी कि खुशी. अलियोर बोलते हैं आपका आकर्षण, किसी के लिए कुछ भी आकर्षण जो होता है यानी कि अपनी तरफ खींचना. और डीटर का मीन्स होता है डराना या डराकर किसी को भगाना, किसी को भय दिखाकर. अलूफ, अलूफ बोलते हैं अलग यानी कि दूर दूर. और एमिएबल बोलते हैं जो मिलनसार होता है. और एम्बिगियस आपको बोलते हैं अस्पष्ट, जो चीज़ होती है अस्पष्टता को बोलते हैं एम्बिगियस. और डॉग्ड होता है किसी चीज़ से दृढ़ या पक्का किस चीज़ का. तो ये आपका मिसमैच है, ये मैच नहीं करता है वर्ड और एंटोनिम के सीक्वेंस में. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड. इनमें से कौन सा वर्ड आपका मिसस्पेल्ड है आपको ये बताना है. तो आपका 31 में जो है आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा. 31 में डी आपका मिसस्पेल्ड दिया गया है, क्योंकि बी लिटल में बी आई एल आई डबल टी यूज़ होगा इसके साथ. बी लिटल बनेगा बी आई एल आई डबल टी एल ई, बी लिटल. और इसका मीन्स होता है आपका छोटा होना, छोटा करना किस चीज़ को. और एग्रेंटाइज जो होता है इसका मीन्स होता है वृद्धि करना, बढ़ाना. कंस्ट्रू होता है अर्थ लगाना किसी चीज़, किसी का भी. एटिक्वेट इसका मीन्स होता है शिष्टाचार. आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे. ओके, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं आपकी आपको आज की वीडियो कैसी लग रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ डायरेक्शंस दिए हैं जिन्हें फॉलो करके आपको आंसर्स करने हैं. 32 से 33. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रेपोजिशन. कौन सी जो वर्ब है इसमें करेक्ट प्रेपोजिशन से फॉलो नहीं हुई है. तो 32 देखिए आप, चार्ज विद, कंपेयर विद, कंप्लाई विद, या फिर कन्विक्ट ऑफ. तो 32 का राइट ऑप्शन आपका सी होगा, कॉम्प्ली ऑफ. ये आपकी करेक्ट नहीं है, ये आपकी मिसमैच है. 33 में देखिए, क्योर ऑफ, क्योर फॉर, डील ऑन, या डील इन. तो 33 में जो आपका राइट है वो आपका सी होगा, डील ऑन. ओके, ये आपका राइट नहीं होगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 34. ए सीरीज ऑफ शॉक्स इज नोन एज अर्थक्वेक विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू सिस्मिक वेव्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सडन अर्थ मूवमेंट्स और ट्रीमर्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी.
करेक्ट सीक्वेंस इसमें बताना है कौन सा फॉलो करता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, पी क्यू आर एस आपका सही है। सीरीज ऑफ शॉक्स इज नोन एज अर्थक्वेक, जो सीरीज होती है शॉक्स की वो एक अर्थक्वेक के नाम से जान जाती है। विच कैन बी रिकॉग्नाइज थ्रू सिस्मिक वेव्स, जिसको सिस्मिक वेव से रिकॉग्नाइज जो है किया जा सकता है। दैट रिजल्ट फ्रॉम सडन अर्थ मूवमेंट्स और ट्रीमर्स, जो अचानक से धरती में मूवमेंट्स होती है और ट्रीमर्स होते हैं उसके रिजल्ट होता है, और उसका कॉज होता है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि जो लाइफ्स होती है और प्रॉपर्टी होती है उसको वो बहुत ही ज़्यादा नष्ट करती है। ओके, नेक्स्ट 35, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस में इसमें से कौन सा है जो मिसमैच है पेयर? देखिए, मिल्क मैन का मिल्क वुमेन, पीकॉक पी हैन, सेल्समैन का सेल्समैन वुमेन और वॉशरमैन का वॉशर लेडी। तो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर में जो है आपका डी आपका ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, आपका मिसमैच है, क्योंकि वॉशर वुमेन जो है वॉशरमैन की फेमिनाइन जेंडर होगा, वॉशर लेडी नहीं, वॉशर वुमेन यहाँ पर राइट होगा। 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम्स ऑफ इमर्स। इमर्स का सिनोनिम्स इसमें से कौन सा नहीं है? ओके, तो आपका जो इमर्स वर्ड दिया है यहाँ पर, इसका जो राइट ऑप्शन है आपका 36 का, तो आपका ए है डिस इन्वॉल्व, इसका ये सिनोनिम्स नहीं है, बाकी इसके सिनोनिम्स हैं तीनों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ डायरेक्शंस दिए हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38 में। फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शंस गिवन इन दियर ब्रैकेट्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। जो चॉइसेस आपको दी हुई है यहाँ पर उसको फॉलो करके आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। देखिए 37 में पूछा है, ही सेड द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। देखिए 37 का जो राइट ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, ही सेड दैट माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 38, मोना वॉज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर। मोना जो है वो अपने पिता को लेटर लिख रही थी, तो ये पैसिव में चेंज करना है आपको। 38 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ए लेटर वॉज बींग रिटन बाई मोना टू हर फादर। ओके, आपका एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपका जो यो सेंटेंस है आपका वो आपका पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चल रहा था, और पास्ट कॉन्टीन्यूअस यहाँ पर आपका एज इट इज़ जो है उसके अकॉर्डिंग आपका फॉलो करके चाहे सेंटेंस को चेंज कर दिया गया है, सी ऑप्शन राइट है यहाँ। 39, पैक्यूनरी डिनोट्स, जो पैक्यूनरी होता है किसको डिनोट करता है? तो ये पर्टेनिंग टू मनी होता है, ए ऑप्शन यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 40, स्टीफल। स्टीफल किसको डिनोट्स करता है यहाँ पर? स्टीफल का मीनिंग आपको बताना है। तो जो 40 है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्मूथर। स्टीफल का जो मीन्स होता है वो आपका स्मूथर होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए बीसीच जो है 41 में राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये आपका रिक्वेस्ट होता है। ओके, बीसीच रिक्वेस्ट करना यानी कि प्रार्थना करना उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका 42, स्टेलमेट डिनोट्स। स्टेलमेट्स किसको डिनोट करता है? तो ये आपका डेड लॉक को डिनोट करता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा 42 का। 43 में देखिए राइफ डिनोट्स। राइफ किसको डिनोट्स करता है? तो राइफ का जो राइट आंसर है वो आपका वाइड स्प्रेड है। राइफ का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका परिपूर्ण। ओके, और वाइड स्प्रेड होता है सेम मीनिंग होता है दोनों का ही, राइफ डिनोट्स वाइड स्प्रेड करता है यानी कि परिपूर्ण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, देखिए डायरेक्शंस दिए हैं फिर से 44 एंड 45 में। सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, जो गिवन वर्ड में अपोजिट हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। इम्प्रियस, इम्प्रियस किसको बोलते हैं? अभिमानी जो होता है, अभिमानी को बोलते हैं इम्प्रियस। ओके, और यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड चूज करना था इसका, तो यहाँ पर इसका अपोजिट होगा सबमिसिव, यानी कि आज्ञाकारी, आज्ञाकारी को बोलते हैं सबमिसिव। यहाँ पर इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा कैरेक्टरलेस, आपको बताइए चरित्रहीन, इम्परफेक्ट यानी कि अपूर्ण, इम्परमानेंट, और इम्परमानेंट होता है जो आप अस्थायी हो। ओके, नेक्स्ट देखिए
ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका क्षणिक, यानी कि क्षण भर के लिए जो हो, और इसका अपोजिट होगा आपका लास्टिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा टिकाऊ जो हो उसको बोलते हैं लास्टिंग। परसिस्टेंट आपको बोलते हैं लगातार, मूविंग, चलना फिरना या हिलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 से 50 तक। चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस फ्रॉम द अपोजिट गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 46 से 50 तक आपको चूज करने सेंटेंस में जो फिलअप होगा वो। 46 देखिए, वी फेल डैश अंडरस्टैंड योर रीजंस फॉर लीविंग द कॉलेज विदाउट कंप्लीटिंग द डिग्री। वी फेल, हम समझने में फेल हो गए, कारण तुम्हारा कारण फॉर लीविंग द कॉलेज, कॉलेज छोड़ने का बिना डिग्री पूरी किए ही, जो बिना पूरी डिग्री किए ही आपने कॉलेज छोड़ दिया, मतलब उसका कारण हम समझने में फेल हो गए। तो जो 46 है आपका, 46 में आपका 2 आएगा यहाँ पर, वी फेल टू अंडरस्टैंड, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 47, सी कंजर्व्ड हर एनर्जी एंड स्टार्टेड शाउटिंग ओनली व्हेन ही सी हर्ड द नॉइस डैश बलडोजर्स एंड क्रेन्स। और जो है 47 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका, इसमें ऑफ आएगा, वैन, यानी कि जब उसने सुना नॉइस ऑफ बुलडोजर्स, बुलडोजर्स और क्रेन्स की जो उसने नॉइस सुनी, तो उसने केवल चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी एनर्जी जो थी वो कंजर्व हो गई थी। नेक्स्ट देखिए 48, द ब्रिटिश हेगमनी ऑल ओवर अफ्रीका एंड एशिया कोलैप्स्ड डैश द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century। जो 48 है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इन इज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन 48, यानी कि ए। नेक्स्ट देखिए, फुटबॉल मैचेस हैज़, जो फुटबॉल मैच होता है, डैश बी कॉल्ड ऑफ बिकॉज द वेदर। ओके, तो 49 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका 2 होगा, इसमें जो फुटबॉल मैच था हैज़ टू बी कॉल्ड ऑफ, उसको कैंसिल कर दिया गया बिकॉज ऑफ द वेदर, मौसम की वजह से। 50, आई वुड नॉट कमिट माई सेल्फ डैश दैट कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, 50 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो 2 होगा, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 से 55, चूज द सेंटेंसेस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में दिए हुए ऑप्शंस का जिसको चूज करके आपको करेक्ट सेंटेंस करना है। तो 51 में देखिए आप, इट इज़ ए कलरफुल इवेंट एंड एवरीवन हैव अ ग्रेट टाइम। तो जो आपका 51 है, इसका राइट ऑप्शन आपका ए वाला होगा, इज़ हैविंग। यहाँ पर आप हैव की जगह ए इज़ हैविंग यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की आपको रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए 52, ही हैव इग्नोर्ड माई मेल। 52 में ही हैव इग्नोर्ड माई मेल, उसने मेरी मेल को इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पर आपका 52 में जो राइट होगा वो हैज़ इग्नोर्ड आएगा। ओके, हैज़ इग्नोर्ड माई मेल। 53, व्हेन द वाइंड ब्लोस, और जब वाइंड जो होती है चलती है, यानी कि हवा जब बहती है, द क्रेडल वाज रॉक। ओके, आप इसमें देखिए 53 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका सी होगा, विल रॉक। When the winds blows, the cradle will rock. Next, देखिए with all this, my mind wandered back to my brother who has gone to play basketball. तो 54 में जो है आपको has gone की जगह replace करना है, तो 54 का जो option होगा आपका right D होगा, had gone। Has gone की जगह आपका had gone आएगा, क्योंकि आपका जो है third form यहाँ पर use हो रही है, past में चल रहा है sentence, तो यहाँ present में नहीं use होगी वो, ये भी आपकी had gone आएगी, डी। नेक्स्ट देखिए 55, इलेक्शंस राइट्स गवर्नेंस एंड लीडरशिप इज बिकमिंग एम्प्टी वर्ड्स। और जो आपका 55 वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा, आर बिकमिंग, इस बीकम की जगह आपका आर बिकमिंग इसमें यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए कुछ डायरेक्शंस दिए हैं फिर से, 56 से 60 तक आपको इस पैसेज को रीड करके केयरफुली और आपको आंसर्स के देने हैं क्वेश्चंस के। ओके, तो आपको एक पैराग्राफ दिया है, ये आपको रीड करना है, मैं आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर बता देती हूँ कौन से सही है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, पैराग्राफ को पढ़ सकते हो अच्छे से। ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या आप पढ़ लें, जैसे भी आप चाहें। ओके,
यहाँ पे आपका पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर 56 देखिए, व्हाट इंस्पायर्ड बॉनी पार्जिन टू हेल्प डिसेबल्ड पीपल बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो 56 का आपका राइट ऑप्शन आपका डी होगा, हर ऑब्जर्वेशन ऑफ डिसेबल्ड पीपल हु मैनेज्ड एवरीडे कोर्स यूजिंग टंकीज। नेक्स्ट देखिए 57, द एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल्स ट्राई टू डिस्यूट्स बॉनी फ्रॉम यूजिंग डॉग्स टू हेल्प द डिसेबल्ड बेसिकली बिकॉज दे। तो 57 का भी आपका डी ऑप्शन सही होगा, यहाँ वर कन्विंस्ड दैट डॉग्स कुड नॉट हेल्प द डिसेबल्ड। 58 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डिड बॉनी एंड नोज नॉट अडॉप्ट टू ट्रेन अब्दुल टू हेल्प नोज। ओके यहाँ 58 का आपका राइट ऑप्शन होगा बी, फिजिकली गेस्टर्स टू डायरेक्ट द डॉग्स। 59 देखिए, एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इम्पोर्टेंट हेल्प दैट अब्दुल कुड प्रोवाइड द नोज। तो 59 का राइट ऑप्शन आपका है ए, ही कुड पुश नोज अप फ्रॉम हर चेयर फॉल्स। 60 पैराग्राफ्स का लास्ट क्वेश्चन आपका ये, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर 60 का आपका राइट ऑप्शन जाएगा बी, बॉनी बर्जिन गॉट हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम असिस्टेंट डॉग इंस्टीट्यूट। ओके नेक्स्ट देखिए 61 से 65, चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। जो आपके वर्ड्स दिए हैं कैपिटल्स में, ये इनका आपको क्लोजेट मीनिंग चूज करना है, इनमें से कौन सा राइट है इसमें। तो 61 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका सीथिंग। सीथिंग का मीनिंग होता है आपका जो गुस्से से खोलना, ओके बहुत ही गुस्सा करना, उसका मीन होता है सीथिंग का। और इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, एग्रीगेटेड होगा आपका इसका, ये भी होता है बहुत गुस्से से खोलना। ओके डिससेटिस्फाइड होता है आपका असंतुष्ट, नॉइजी शोरगुल वाला। ओके और सूथिंग जो होता है, सूथिंग का मीन्स होता है आपका आरामदेह यानी कि सांत्वना। देखिए 62 है स्टिंगी। स्टिंगी का आपका मीनिंग होता है कंजूस, जो कंजूस होता है उसको बोलते हैं स्टिंगी। और इसका राइट ऑप्शन आपका जो क्लोजेट मीनिंग है इसका, वो है आपका माइजरली, यानी कि एक तरह से सिनोनिम्स आप इसको बोल सकते हो। माइजरली का मीन्स भी होता है आपका कंजूसी। और वॉयलेंट जो होता है उसे बोलते हैं आक्रामक, कॉशियस जो होता है सावधानी, और क्वारलसम होता है झगड़ा करना, झगड़ालू जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन किसको बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं उल्लास या हर्ष वाला जो मतलब खुशी का माहौल हो उल्लास का, उसको बोलते हैं एक्सल्टेशन। ओके और इसका जो क्लोजर मीनिंग है वो आपका सी ऑप्शन है, जुबलिएशन। ओके नेक्स्ट देखिए 64, कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मीनिंग होता है आपका अनुकूल, किसी चीज़ के अनुकूल होना। और इसका जो राइट आपका क्लोजर मीनिंग होगा 64 का, 64 में आपका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि जनरल एग्रीमेंट। ओके जनरल एग्रीमेंट होता है इसका। नेक्स्ट देखिए आपका 65, आंसर मैन्यूस। और इसका आपका जो राइट मीनिंग, इसका मीनिंग होता है आपका अचानक या फिर अनौपचारिक, आप इसको बोल सकते हैं। और 65 में जो आपका राइट होगा वो होगा आपका इम्पोलाइट। ओके नेक्स्ट 66, ऑन सीइंग होम डस मिरांडा एक्सक्लेम ओ फादर श्योरली दैट इज स्प्रिट लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है आपके लिटरेचर पे स्टार्ट हो जाते हैं। 65 तक आपका ग्रामर वाला पोर्शन था, अब आपका लिटरेचर वाला पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। तो 66 का आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, तो ये आपका फर्डिनेंड होता है। 66 में आपका बी राइट होगा, फर्डिनेंड। ठीक है 67 देखिए, वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ वॉज सैमुअल जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ ए फेमस पोएम, विच पोएम वॉज इट। तो ये कौन सी पोएम थी जिसके बारे में सैमुअल जॉनसन ने ये क्रिटिसिज्म दिया था कि वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ। तो ये जॉन मिल्टन की पोएम के बारे में बोला था एक, और उसका नाम था लिसिदास, जो इन्होंने 1637 में पब्लिश की थी अपनी, इसके बारे में इन्होंने ये रिमार्क दिया था अपनी, इनकी एक वर्क आया था इनका लाइफ्स ऑफ पोएट, उसमें इन्होंने ये रिमार्क दिया था अपने। ओके जो इन्होंने लाइफ ऑफ पोएट, सीन की लाइफ ऑफ पोएट, ये 1779 में लिखी थी, 1779 में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68, व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम्स। जो नीचे पोएम्स दी गई है इनमें कौन सा जो है कॉमन है सब में, वर्ड्स फॉर द रिक्लूस, शेली इज द ट्रम्प ऑफ लाइफ, बायरन्स डॉन जुआन, और कीट्स का हाइपर। तो जो चारों पोएम्स हैं आपकी, ये एक इनकम्प्लीट पोएम्स थी इनकी, सबकी अनफिनिश्ड रह गई थी इनकी डेथ के टाइम पे, दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ओके
नेक्स्ट देखिए, 69 द ग्लोब थिएटर ओपनड इन, जो ग्लोब थिएटर था वो कब ओपन हुए थे, तो ये 1599 में आपके ग्लोब थिएटर ओपन हुए थे। ओके, 69 में आपका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो ये थिएटर था लंदन में थे, एसोसिएटेड विद शेक्सपियर, शेक्सपियर से रिलेटेड थे। 70 क्वेश्चन नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेस इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कौन से जो शेक्सपियर के प्ले हैं इसमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, और इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो आपका बी वाला ऑप्शन सही है, मैच अड अबाउट नथिंग, उसके बाद हैमलेट, किंग लियर एंड ट्रोलिस एंड क्रेसिडा। ओके, 70 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। हैमलेट जो थी वो आपकी, सॉरी, जो मच अड अबाउट नथिंग थी, ये आपकी 1600 में पब्लिश हुई एंड रिटर्न हुई थी 1598 से 1599 में ये रिटर्न हुई थी आपकी, मैच अड अबाउट नथिंग। हैमलेट जो थी वो पब्लिश हुई थी आपकी 1603 में, यानी 1603 में, और उसके बाद आती है आपकी किंग लियर, ये 1608 में रिटर्न हुई थी, और ट्रोलिस एंड क्रेसिडा जो थी 1609 में हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 71 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिरिकल बैलेट्स इज नॉट ट्रू, इनमें से लिरिकल बैलेट्स के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, तो 71 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी वाला, इट ऑल्सो प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेस एलजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्च यार्ड, ये ग्रे की एलजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्च यार्ड में भी पब्लिक प्रिंट हुई थी, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72, इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू वी फाइंड विदाउट क्वींस क्वेश्चनिंग द अजम्पशंस ऑफ मेल पॉलिटिक्स, तो ये जो 72 है आपका, 72 का राइट ऑप्शन आपका बी होगा, रिचर्ड थर्ड। ओके, ये आपका ऑप्शन नंबर राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइपनेस इज ऑल ऑकर्स इन, जो स्टेटमेंट है आपकी राइपनेस इज ऑल, ये कहाँ से ली गई है, तो जो 73 है इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा, किंग लियर से ये ली गई है, राइपनेस इज ऑल, और किंग लियर किसके द्वारा लिखा गया वर्क है, ये शेक्सपियर का एक वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74, एज एडम एंड ईव लीव पैराडाइज हैंड इन हैंड विद वांडरिंग स्टेप्स एंड स्लो बुक 11th पैराडाइज लॉस्ट व्हाट इज दियर कंसोलेशन, तो 74 में जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा 74 का बी, दे आर कम्फर्टेड बाय दियर फॉर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्रिस्ट एज रिडीमर ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 75, लेक्सिस रेफर्स टू, लेक्सिस किससे रेफर करता है, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा, ऑल वर्ड फॉर्म्स हैविंग मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शंस, ठीक है, जिसमें ग्रामेटिकल फंक्शंस और उसका मीनिंग हो तो वो वर्ड्स जो होते हैं वो लेक्सिस से रेफर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 76, ए सी बार्डले शेक्सपियरियन ट्रेजडी वॉज पब्लिश्ड इन, ए सी बार्डले की जो शेक्सपियरियन ट्रेजडी थी वो कब पब्लिश हुई थी, तो 76 का जो राइट है आपका बी होगा, 1904 में ये पब्लिश हुई थी। ओके, और ए सी बार्डले जो थे वो आपके इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर थे, बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क ऑन शेक्सपियर, और शेक्सपियर पर वर्क लिखने के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है, उनके जो मेजर वर्क थे वो थी एक शेक्सपियरियन ट्रेजडी जो उन्होंने 1904 में लिखी थी, शेक्सपियरियन ट्रेजडी ये, एंड ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स लिखे थे इन्होंने, ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री इन 1909 ये इन्होंने इसमें लिखा था। ओके, देखिए नेक्स्ट, 77 क्वेश्चंस, विलियम वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन पब्लिशिंग द लिरिकल बैलेट्स कैरीज द फॉलोइंग फ्रेज, कंप्लीट द फ्रेज करेक्टली, इस फ्रेज को आपको करेक्ट करना है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ का स्टेटमेंट था लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश करने के पर्पस में, तो इसको आपको कंप्लीट करना है, टू चूज इंसिडेंट्स फ्रॉम कॉमन लाइफ एंड टू रिलेट और डिस्क्राइब देम थ्रू आउट एज फार एज पॉसिबल, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा 77 का वो आपका होगा ए, इन ए सेलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, इन ए सेलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, ये वाला आपका ऑप्शन राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, 78, होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट, होमोनिम्स जो होते हैं कौन से वर्ड्स होते हैं, आर प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली बट हैव द सेम मीनिंग, या रेफर टू बोथ द मेल एंड फीमेल ऑफ द ह्यूमन स्पेसीज, आर स्पेल्ड सिमिलरली बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, इफ रेफर टू पीपल हु लिव्स इन हाउसेज विद सिमिलर स्ट्रक्चर्स, किससे रेफर्स, कौन से वर्ड्स होते हैं ये, तो
तो 78 का राइट ऑप्शन आपका सी होगा। यहाँ आर स्पेल्ड सिमिलरली बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, इनकी जो स्पेलिंग्स होती है वो तो सिमिलर होती है बट उनके मीनिंग्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं आपके। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79। इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री थॉमस ग्रेस प्रोग्रेस ऑफ पोएसी इनवॉक्स ए मेजर पोएट एज फॉलोज नोर सेकेंड ही दैट रोड सब्लाइम अपॉन द सीराफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी द सीक्रेट्स ऑफ द एब्सर्ड टू स्पाई और हु इज ही। तो इसमें कौन सा है? 79 का राइट ऑप्शन होगा आपका सी, जॉन मिल्टन। ओके नेक्स्ट देखिए 80। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपीरियन प्लेस आर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस, इसमें से कौन सा जो है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस में है शेक्सपियर के प्ले बताने हैं? तो आपका 80 का राइट ऑप्शन डी होगा, रोमियो एंड जूलियट, फिर रिचर्ड सेकंड, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट। ये आपके करेक्ट सीक्वेंस ऐसे हैं क्योंकि आपका जो रोमियो एंड जूलियट था ये आपका 1595 में लिखा गया था, रोमियो एंड जूलियट, उसके बाद आता है रिचर्ड सेकंड, ये 1595 में आया था अभी, इसके बाद उसके बाद मर्चेंट ऑफ वेनिस आता है 1598 में आपका, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके और हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट आया था 1600 में। ओके नेक्स्ट देखिए 81। ए स्पेंसर इन स्टांजास हैज, जो स्पेंसर इन स्टांजास है उसमें क्या होता है आपके 4 आयम्बिक पेंटामीटर्स, 6 आयम्बिक पेंटामीटर्स, 8 आयम्बिक पेंटामीटर्स या फिर 10 आयम्बिक पेंटामीटर्स। तो स्पेंसर इन स्टांजा में जो होते हैं वो आपका सी ऑप्शन राइट है, 8 आयम्बिक जो पेंटामीटर्स होते हैं वो, तो ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट होगा आपका इसमें। और इसमें जो होती है फाइनल अलेक्जेंड्राइन होता है इसमें, और या फिर इसको 6 फीट भी बोल सकते हो आप, विद ए राइम स्कीम ऑफ ए बी ए, इसकी राइम स्कीम जो होती है ए बी ए बी बी सी और उसके बाद होती है आपकी बी सी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। नेक्स्ट है 82। वीनस एंड एडोनिस इज़ ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय, वीनस एंड एडोनिस की जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी शेक्सपियर की पोएम थी वीनस एंड एडोनिस, इनका जो इन्होंने लिखी थी 1593 में लिखी थी वीनस एंड एडोनिस, और इनका ये सबसे ग्रेट वर्क जो है माना गया था पहले भी। 83 में इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगनिंग ऑफ, पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन इन्वोक करते हैं हेवनली म्यूज यूरेनिया को शुरुआत में ही उसके, तो कौन कौन सी बुक में करते हैं वो ये पूछा है। यहाँ पर आपको कोट्स दिए हैं बुक फर्स्ट, बुक फोर एंड बुक नाइन या बुक सेवन, तो यहाँ पर आपका बुक वन और बुक सेवन जो है करेक्ट होगा आपका, बुक वन और बुक सेवन में करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, एन एपिलॉग इज, जो एपिलॉग होता है उसमें क्या होता है? प्रीफिक्स टू अ टेक्स्ट विच इज इंट्रोड्यूसेस, सफिक्स टू अ टेक्स्ट विच इज सम्स अप टू और एक्सटेंड्स, या फिर ए पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट फॉर्मली बिगिंस ए बुक, या फिर ए पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट बिगिन दैट बियर्स नो रिलेशन टू द टेक्स्ट एट हैंड्स। तो 84 में जो आपका राइट ऑप्शन है यह आपका एन एपिलॉग इज ए सफिक्स टू अ टेक्स्ट विच इट सम्स अप और एक्सटेंड्स। ओके और ये आपका एट द एंड ऑफ वर्क आता है, आपका एंड में आता है एपिलॉग, और पहले आता है प्ले के वो आता है प्रोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। फॉर नेचर देन द कर्सर प्लीजर्स ऑफ माय बॉयश डेज एंड दियर ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स ऑल गोन बाय द बाय टू मी वाज ऑल इन ऑल इन दीज लाइन्स फ्रॉम टिंटन एबी रिविजिटेड वर्ड्सवर्थ इज टॉकिंग अबाउट, इसमें वर्ड्सवर्थ जो थे किसके बारे में बात कर रहे थे बताना है आपको। तो जो आपका 85 है, 85 में राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेजेस इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर, नेचर की रिलेशनशिप के बारे में ही वो बात कर रहे थे इसमें। और 86 देखिए आपका, ए शेक्सपियर रोड, शेक्सपियर ने कितने प्लेस लिखे थे बताना है यहाँ, तो इन्होंने 38 प्लेस लिखे थे और इसमें से 37 इन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम में पब्लिश कराए थे, जो एक था जो नहीं कराया वो था पेरिकल्स, जो इन्होंने फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं कराया था इसमें से। 87 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज रिटन फर्स्टली बाय शेक्सपियर, इनमें से कौन सा शेक्सपियर के द्वारा सबसे पहले लिखा गया प्ले था? तो 87 का जो राइट ऑप्शन है आपका हेनरी सिक्स होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हेनरी सिक्स, इसमें इन्होंने सबसे पहले लिखा था। और जो शेक्सपियर थे इनका बर्थ 1564 में हुआ था और इनकी डेथ 1616 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए 88। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपियर इन हैमलेट, इनमें से कौन सा जो कैरेक्टर है वो अपियर नहीं होता हैमलेट में? पोलोनियस,
पोलोनियस भी होता है, क्लोडियस भी और गर्ट्रूड भी, बट मिरांडा जो है आपकी द टेम्पेस्ट में आती है। टेम्पेस्ट की हीरोइन है ये मिरांडा, ये आपकी हेमलेट में नहीं आती। व्हाट नेशनलिटी वॉज शेक्सपियर, शेक्सपियर की नेशनलिटी क्या थी बताना है आपको, इटालियन, स्कॉटिश, इंग्लिश या ग्रीक? तो इनकी जो नेशनलिटी थी वो इंग्लिश थी, इंग्लिश कवि थे ये, एक पोएट थे। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सेकेंड जनरेशन ऑफ ब्रिटिश रोमांटिक्स, ब्रिटिश रोमांटिक्स की जनरेशन में सेकेंड जनरेशन में इनमें से कौन नहीं थे? कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शेली या फिर बायरन? तो जो 90 का राइट ऑप्शन है वो वर्ड्सवर्थ है। वर्ड्सवर्थ इज नॉट द सेकेंड जनरेशन ऑफ ब्रिटिश रोमांटिक्स, ये बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 91 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग, इनमें से शेक्सपियर के कौन से प्ले में एक एपिलॉग है? तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा, द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में आपके एपिलॉग देखने को मिलता है आपको। और विच वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1610 to 1611, ओके ये लिखी गई थी आपकी शेक्सपियर के द्वारा। 92 देखिए, हेमलेट्स फेमस स्पीच टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन ऑकर्स इन, ये क्वेश्चन कौन से प्ले में जो है ऑकर्स होता है आपके, सॉरी कौन से एक्ट और सीन में फेमस स्पीच, ये बतानी है आपको। तो 92 का राइट ऑप्शन आपका एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट होगा, यानी कि डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। और हेमलेट बाय शेक्सपियर उसकी ये जो है लाइनें हैं टू बी और नॉट टू बी। 93 देखिए, हु सेज गुड नाइट स्वीट प्रिंस एंड फायर्स ऑफ एंजल्स सिंग दाई टू दाई रेस्ट, ये आपकी 93 वाले जो इसमें लाइन्स दी गई हैं, जो कोटेशन दी है वो कहाँ से बिलोंग करती है, किसने कही थी ये लाइन से आपको बतानी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा 93 में, डी होरेशियो। और होरेशियो गुड नाइट कहता है किसको, ये बोलता है हेमलेट को, जब हेमलेट मर की डेथ हो रही होती तब। नेक्स्ट देखिए, 94, व्हाट पॉइजन डस क्लोडियस पोर इनटू द ईयर ऑफ हेमलेट्स फादर कॉजिंग हिज डेथ, क्लोडियस कौन सा पॉइजन जो है हेमलेट के पिता के कान में डालता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हेबिनन, हेबिनन जो नाम का पॉइजन था जो उसकी कान में वो डाल देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95, हु इज वोल्टिमेंट, वोल्टिमेंट कौन है बताना है 95 में। तो 95 का राइट ऑप्शन जो है वो है एम्बेसडर और टू द किंग ऑफ नॉर्वे फ्रॉम द किंग ऑफ डेनमार्क, ओके 95 का ए राइट होगा आपका, और ये हेमलेट प्ले में आपके आता है। 96 क्वेश्चन देखिए, व्हेन माय लव श्योर्स दैट इज शी इज मेड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज, द ऑथर ऑफ दीज लाइन्स, इन लाइन के ऑथर आपको बताना है कौन थे। तो शेक्सपियर रोड दीज लाइन्स, शेक्सपियर ने ये लाइन नहीं लिखी थी आपकी, इन्हें सोनेट नंबर 138, सोनेट नंबर 138 की लाइनें हैं ये, यहाँ पर विलियम शेक्सपियर की, डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 97, सेक्सुअल पोजेसिवनेस इज थीम ऑफ शेक्सपियर्स, जो सेक्सुअल पोजेसिवनेस होती है वो शेक्सपियर की थीम है किसकी? तो 97 का राइट ऑप्शन आ जाओ आपका, मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और ये इन्होंने 1590 से 1597 के बीच में इन्होंने लिखा था ये। नेक्स्ट देखिए, 98, विलियम वर्ड्सवर्थ हैड ए डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने थॉमस हार्डी पर डीप इन्फ्लुएंस यानी कि बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा था। अकॉर्डिंग टू हार्डी ए पार्टिकुलर पोएम बाई वर्ड्सवर्थ वॉज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, तो ये जो लाइनें हैं वॉट विच इज़ दैट पोएम, कौन सी पोएम थी ये? तो 98 का राइट ऑप्शन आपका द लीच गैदर है आपका, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 99, दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज रेथ और माइट एक्सटोर्ट फ्रॉम मी, पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की है ये, और इसमें आपको बताना है किसके बारे में ये ऐसा बोला गया है। तो सैटर्न को यहाँ रेफरेंस किया गया है, करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड द बोलाइंस फ्रॉम मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, ओके यहाँ पर जो है करेज के बारे में बोला गया है सैटर्न के। क्वेश्चन नंबर 100, द टर्म वुमेनिज्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो टर्म है वुमेनिज्म तो पहले किसके द्वारा यूज़ किया गया था? तो ये है आपके 100 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका, ये है एलिस वॉकर इन 1979 इन अ शॉर्ट स्टोरी कमिंग अपार्ट, इनकी शॉर्ट स्टोरी थी कमिंग अपार्ट जिसमें इन्होंने ये जो टर्म था यूज़ किया था वुमेनिज्म सबसे पहली बार एलिस वॉकर ने। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा कोरियोलिस आर बेस्ड ऑन, जो ये सारे प्लेज हैं किस पर बेस्ड थे?
तो ये थे आपके प्लूटार्क की लाइफ पर डी, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो 102 में आपका राइट ऑप्शन होगा ये जो सोनेट आपको आइडेंटिफाई करना था जो विलियम वर्ड्सवर्थ का पर था, तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, नन्स फ्रेट नॉट एट दियर कन्वेंट्स नैरो रूम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 103, प्लेगरिज्म इज ए वेल नोन वर्ड एंड कॉन्सेप्ट इन एकेडमिक सर्कल्स, द वर्ड प्लेगरियस इन लैटिन हाउएवर मीन्ट। तो इस वाले क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है आपका डी होगा, ए टॉर्चर एंड ए प्लंडर। ओके नेक्स्ट देखिए 104, द लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन, लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश हुआ था बताना है, तो 1798 में हुआ था लिरिकल बैलेट्स पब्लिश, और ये वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने साथ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रूफ ऑफ एरोपैजिटिका, एरोपैजिटिका के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1644 में पब्लिश हुआ था ये, सही है ये। इट आर्ग्यूज फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, और अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग की लिबर्टी के लिए आर्ग्यू करता है ये भी सही है। एंड इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेजेस रिगार्डिंग फ्री ट्रेड, ये आपका रॉन्ग होगा ये वाला ऑप्शन। एंड इट इज स्पीच एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की पार्लियामेंट की एड्रेस स्पीच होती है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये मिल्टन ने लिखा था एरोपेजिटी का फ्रीडम ऑफ प्रिंटिंग के लिए वर्क 1644 में। ओके नेक्स्ट देखिए 106, द लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स अपीयर्स इन। तो ये जो 106 है इसका आपका राइट ऑप्शन होगा मैकबेथ, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। मैकबेथ इज बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1599 एंड 1606, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फोलियो ऑफ 1623, जो फर्स्ट फोलियो था 1623 में आया था, उसमें पब्लिश हुई थी, और आपकी 1599 से 1606 के बीच में मान जाती है लिखी थी, बट जो एग्जैक्ट है इसका 1606 होता है। ओके नेक्स्ट देखिए 107, सैमसन एगोनिस्ट शोज मिल्टन डिजायर टू ब्रिंक ओवर इनटू इंग्लिश। तो सैमसन एगोनिस्ट जो है वो दिखाता है कि मिल्टन की डिज़ायर यानी कि इच्छा ब्रिंक ओवर इनटू इंग्लिश। 107 में जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज। नेक्स्ट देखिए द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ प्रीलूड अपीयर्ड इन, फाइनल वर्जन जो था वर्ड्सवर्थ के प्रीलूड का वो कब अपीयर हुआ था, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा, 1850 में हुआ था राइट जो था इनकी डेथ के बाद। ओके नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म टू डिस्क्राइब आर्ट फॉर आर्ट शेक, कौन सा टर्म है अनदर जो आर्ट फॉर आर्ट शेक को अच्छे से डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एस्थेटिसिज्म। एस्थेटिज्म जो होता है वो आर्ट के लिए ही यूज होता है, और नेक्स्ट देखिए आपका 110, रोमांटिसिज्म वॉज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, हु सेड दिस, किसने कहा था ये कि रोमांटिसिज्म जो था लिबरलिज्म इन लिटरेचर था, तो 110 का जो राइट ऑप्शन है आपका ए होगा, विक्टर हुजो, विक्टर हुजो ने बात बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर विद देयर रेस्पेक्टिव नंबर्स, सोनेट्स को जो है मैच करना है रेस्पेक्टिव नंबर्स के साथ उनके, देखिए कौन सा इसमें मिसमैच होगा यहाँ पे, तो 111 में जो है आपका राइट ऑप्शन होगा ए, जिनके पहले का सी दूसरे का ए तीसरे का डी एंड फोर्थ का आपका बी। सोनेट नंबर 11 जो है उसके बारे में ये है, एज फास्ट एज दाउ शॉर्ट वेंट सो फास्ट दाउ ग्रोस्ट, और सेकंड का जो आपका ए है इनके सेकंड सोनेट नंबर 12 में ए, व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स टाइम, सी आपका थर्ड में डी है यानी कि सोनेट नंबर 18 का है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, एंड फोर्थ में आपका बी आएगा सोनेट नंबर 130 में, माई मिस्ट्रेस टाइम। ओके ऐसे आपका मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112, वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल्स इन हिज पोएम डैफोडिल्स टू, 112 का राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर ए होगा, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे, और जो पोएम थी आपकी 1807 में आपकी आई थी डैफोडिल्स, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। 113, मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजिशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क।
जो मिल्टन थे उनको अपॉइंट किया गया था लैटिन सेक्रेटरी की पोजीशन पर क्रोमवेल्स की गवर्नमेंट में, उसका मुख्य कारण कौन सा वर्क था उनका, तो ये इनका आपका था सी, ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट 113 का जो राइट है आपका सी ऑप्शन राइट होएगा यहाँ। नेक्स्ट देखिए 114, दैट पोएट्री शुड पोर्ट्रेज द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन वॉज प्रोनाउंस्ड बाई, तो 114 का आपका सी ऑप्शन राइट होगा, वर्ड्सवर्थ में वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये प्रोनाउंस किया गया था। नेक्स्ट देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज मोना रिपोर्ट द एंड ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट इन मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट, तो इसका आपका राइट होगा सी, काम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंड। 116, द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज कॉइंड बाई, जो टर्म है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वो किसके द्वारा कॉइन किया गया था, किसके द्वारा दिया गया है ये, तो आपका सी यहाँ से होगा, आई ए रिचार्ड्स, ओके 116 में। और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसमें ही ये इन्होंने आई ए रिचर्ड ने दिया था। नेक्स्ट देखिए इन विच प्ले डज शेक्सपियर इंट्रोड्यूस अस टू द वर्ल्ड ऑफ फेरीज विद द रफिश इम्पोर्टेंट ऑफ फोकलोर पक, तो 117 जो आपका है इसमें आपका मिडसमर नाइट्स ड्रीम होगा, इसमें आप ये दिखने को मिलते हैं आपको, डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए विच रोमांटिक पोएट कॉइंड द फेमस फ्रेज स्पोर्ट्स ऑफ टाइम, इसमें से कौन सा रोमांटिक पोएट थे जिन्होंने फेमस फ्रेज स्पोर्ट्स ऑफ टाइम दिया था, तो ये आपका बी ऑप्शन राइट होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119, इन विच ऑफिस ट्रैक्ट्स डस मिल्टन सेज, इसमें कौन से ट्रैक्ट्स में मिल्टन अपने कहते हैं, ही हु डेस्ट्रॉय ए गुड बुक किल्स रीजन्स इटसेल्फ किल्स द इमेज गॉड एज इट और इन द आई, तो 119 में आपका बी ऑप्शन सही होगा, यहाँ एरोपेजिटिका में ये कहा गया था मिल्टन ने, ओके। 120 देखिए, जॉन मिल्टन्स एल एलगेरो इनवोक्स विच ग्रेसेस विद होम ही मीन्स टू लिव, तो 120 का सही है आपका सी, हैप्पीनेस थीम ऑफ एरोपेजिटिका इज, एरोपेजिटिका की जो थीम थी वो क्या थी, तो ये आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 121 में, फिर प्रेस की फ्रीडम के लिए इन्होंने वर्क लिखा था अपना 1644 में। नेक्स्ट देखिए 122, व्हाट नेम डज रोजालिंड अज्यूम्स फॉर हर डिस्क्यूज्ड सेल्फ इन एज यू लाइक इट, जब रोजालिंड अपने आप को डिस्क्यूज कर लेती है, वेश बदल लेती है अपना, तो उस फिर अपना नाम क्या रखती है वो, तो यहाँ पर वो अपना नाम गिनीमेड रखती है, जब वो वेश बदल कर रहती है अपना तो गिनीमेड नाम से रहती है। 123, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म डीकंस्ट्रक्शन, इसमें से कौन सा जो टर्म है बेस्ट डिस्क्राइब करता है डीकंस्ट्रक्शन को, तो 123 का ए राइट होगा आपका, इट सीक्स टू एक्सपोज द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ सेंटर्ड डिस्कोर्सेस, ओके। 124 देखिए, विद हुम डज ओलिवर फॉल इन लव इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में ओलिवर किसके प्रेम में पड़ जाता है, तो 124 का जो राइट ऑप्शन है आपका वो होगा आपका सी, सॉरी डी, एलिना, एलिना के प्रेम में जो ओलिवर होता है वो पड़ जाता है। और नेक्स्ट देखिए आपका 125, और आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के, व्हाट डज द डिस्क्यूज रोजालिंड प्रॉमिस टू डू फॉर ऑरलैंडो इन एज यू लाइक इट, 125 का राइट है आपका ए, हेल्प हिम ओवरकम हिज लव सिकनेस, उसकी लव सिकनेस में उसकी बाहर आने में हेल्प करती है, ओके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, आज हमने आपको प्रैक्टिस सेट 8 कराया है आपको। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें।